बेयरिंग के लेवल से जो नीचे होते हैं वो हमारे सबस्ट्रक्चर्स होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर जो बेयरिंग के लेवल से ऊपर होते हैं वो सारे सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि पैरापेट वॉल हो गई हमारी, ठीक है, डेक हो गया ब्रिज का, ये सारे हमारे किसमें थे, सुपर स्ट्रक्चर में। और सब स्ट्रक्चर में हम लोग अभी इन डिटेल पढ़ चुके हैं विंग वॉल्स को, ठीक है, और हम लोगों ने एबटमेंट भी स्टडी किए थे। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग को स्टडी करनी है, दैट इज हम लोगों ने पायर स्टडी करना था। पायर किसका पार्ट है हमारा, किस चीज का पार्ट है पायर, सब स्ट्रक्चर है कि सुपर स्ट्रक्चर है? सब स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब पायर को स्टडी करना है। पायर्स हमारे क्या होते हैं? पायर्स आर द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स बीच में प्रोवाइडेड होते हैं ब्रिज के, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर आएगा, सपोर्ट ऑफ अ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, द फंक्शन ऑफ पायर क्या है, इज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, जो ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर जो उस पर लोड एक्ट कर रहा है, ये फर्दर उसको सब सॉइल में ट्रांसमिट कर रहा है जो कि नीचे लाई करती है, ठीक है। अब अगर आपको पायर की इमेज दिखाएं तो जरा यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को उस दिन भी इसी इमेज से मैं बताया था कि एबटमेंट क्या है, विंग वॉल क्या है। तो जो पायर है ये बीच में इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, जो हमारे इस पूरे सुपर स्ट्रक्चर को क्या करके रख रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको पायर बोलते हैं। नीचे यहाँ पे फाउंडेशन होती है, ठीक है, पायर के नीचे फाउंडेशन। तो फर्दर जितना भी व्हीकल का लोड इस पे जा रहा है, जितना भी हमारा ब्रेक का एक्शन या जो भी लोड लग रहे हैं ब्रिज के ऊपर, वो सारे हमारे कहाँ पे ट्रांसमिट होंगे, इससे पायर कैप पे जाएंगे। पायर कैप यूनिफॉर्मली इन दोनों पायर्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पायर कैप है, ये इन दोनों पायर के ऊपर प्रोवाइडेड है। तो ये पायर कैप यूनिफॉर्मली इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पायर्स के ऊपर, एंड फर्दर पायर से लोड कहाँ पे जाएगा, फाउंडेशन में, एंड फाउंडेशन से नीचे हमारी जो सब सॉइल है फाउंडेशन के नीचे, वहां पे ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो पायर समझ आए, पायर क्या कहाँ पे प्रोवाइडेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, बोलिए। यस मैम, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें कि पायर्स की कितनी टाइप्स है हमारे पास, देखो इनकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है और इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि पायर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स है, उनके फंक्शंस क्या है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। फंक्शन तो अभी हमने स्टडी किया, फंक्शन क्या है कि जो भी लोड हमारा जो ब्रिज बियर कर रहा है, ब्रिज का डेक बियर कर रहा है, जो भी हमारा लोड सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा है, वो फर्दर कहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, पायर कैप के ऊपर। पायर कैप से कहाँ जा रहा है, पायर्स के ऊपर, और पायर फर्दर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब फाउंडेशन पे जाएगा, फाउंडेशन से उसके बाद में कहाँ पे जा रहा है लोड, कहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, सब सॉइल में ट्रांसमिट हो रहा है। तो पायर क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, एंड फर्दर जो लोड एक्ट कर रहा है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब सॉइल में, ठीक है। देन फर्दर अगर बात करें टाइप्स, पहला जैसे कि सॉलिड आरसीसी पायर हो गया, सेकेंड डम्बल पायर हो गया, इनकी शेप के ऊपर है और जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर है। देन थर्ड कॉलम पायर्स हो गया, शेप अगर सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल पायर हो गया, एबटमेंट पायर्स हैं, पाइल पायर्स हैं, ट्रेस्टल पायर है, सेल्युलर पायर है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास पायर्स हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये पायर्स कहाँ पे, इनका क्या काम है, कैसे यूटिलाइज होते हैं। अगर मैं बात करूँ आरसीसी पायर की, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे मतलब नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बने हुए हैं, बिल्कुल सॉलिड पायर्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपको बीच में रबल मशीनरी भी मिलती है 1:4 में, या फिर कई बार कोर्स रबल मशीनरी भी, ठीक है, या फिर आपका नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट के बने हुए आपको दिखेंगे, लेकिन सॉलिड होते हैं नेचर, ठीक है। तो ये रिवर या वैली के अक्रॉस बिल्टअप किए जाते हैं। अब मैं अगर आपको पायर की एक मेन चीज बताऊं जो आप लोगों को देखनी है, That is, आपके जब पायर होंगे ना, यहाँ पे पायर्स जहाँ पे भी ब्रिज के नीचे कहीं जगह पे प्रोवाइडेड होंगे, यहाँ पे एक तरह आपको एक तरफ दिखेगा इस तरह से पॉइंटेड ट्राइंगुलर शेप में, या फिर और भी शेप्स होती हैं, कहीं जगह पे आपको ये ऐसे थोड़ा राउंडेड दिखेगा, लेकिन जहाँ पे ये चीज ऐसे पॉइंटेड होगी, ये आपकी कहाँ पे बनी होगी, अपस्ट्रीम साइड पे, ठीक है, ये आपकी कहाँ पे बनी होगी, अपस्ट्रीम साइड पे, मतलब पानी जहां से अपस्ट्रीम साइड अगर रिवर की बात करें वहां पे, ठीक है। और एक जगह से आपको अगर मैं बोलूं कि दूसरी साइड से थोड़ा सा, एक मिनट को बच्चों को एक बार एडमिट करने को, कुछ अभी ज्वाइन करते हैं।
और दूसरी जगह से अगर मैं आपकी बात करूं इज वाटर, ठीक है, ये कहां पे होएगा? डाउन स्ट्रीम साइड पे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे अपस्ट्रीम साइड पे थोड़ा पॉइंटेड वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कटिंग एज बोल देते हैं। बेसिकली इसका कटिंग एज का काम क्या होता है, जो अपस्ट्रीम साइड में होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो पानी का फ्लो एकदम से आ रहा होता है ना, यहाँ से अपस्ट्रीम साइड से जब एकदम से आ रहा होता है, ये उस पानी के फ्लो को क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। मतलब ये पॉइंटेड होता है ना, थोड़ा सा इधर से ऐसे पॉइंटेड होता है, ये उस पानी के फ्लो को इस तरह से कट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एज बोल देते हैं, और इसको कट वाटर बोल देते हैं, ठीक है। जो जहां पे पायर का एक एंड इस तरह से आपको दिखेगा वो कट वाटर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो डाउन स्ट्रीम साइड पे आती है, जो डाउन स्ट्रीम साइड पे रजे होती है वो थोड़ा क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गोलाई में इधर प्रोवाइड होएगा ये वाला एंड पायर का, ठीक है। वो क्यों, कि अब पानी यहाँ से कट हो गया, अब वो पानी यहाँ से इजिली इस डायरेक्शन में क्या कर जाए, इजिली साइड से पानी निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ईज वाटर बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी इमेज के थ्रू भी दिखाऊं, कट वाटर एंड ईज वाटर, ये देख रहे हो, ये भी एक पायर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर इमेज तो नहीं दिख रही, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड है कट यहाँ पे। सिमिलरली अगर इस साइड से देखोगे, इस साइड वाली जो इमेज थी वो यहाँ से ऐसे थोड़ा गोलाई में, तो बेसिकली जो पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है ये उसको क्या कर रहा है, उसको इधर से आसानी से ये पानी चला जाए, ये उसको कट करने की कोशिश कर रहा है पानी के फ्लो को, और यहाँ पे गोलाई में इसलिए कि पानी इसके साथ से बिल्कुल स्मूथली निकल जाए, ठीक है। तो जो इस साइड पे अपस्ट्रीम साइड पे है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, कट वाटर, ठीक है। और जो डाउनस्ट्रीम साइड पे उसको क्या बोल देते हैं, ईज वाटर बोल देते हैं, ठीक है। इसकी इमेज और सर्च करना, ठीक है, मेरे को अभी जो रिसेंटली जो मिली तो मैंने तो वही पेस्ट करके आपको दिखाई, आपको बहुत इजीली ये दिख जाएंगे इसकी इमेजेस, कट वाटर एंड ईज वाटर की। बस बेसिकली फर्क क्या है कि ये एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे कि ये है आपको दिख रहा है, या तो रबल मशीनरी का या ब्रिक मशीनरी या नॉर्मल आपका आरसीसी का, एकदम सॉलिड पायर है ये, बिल्कुल सॉलिड है ना, ठीक है, मतलब बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है कुछ नहीं, बिल्कुल सॉलिड पायर है। तो जब यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में इधर से एकदम एज प्रोवाइडेड है अपस्ट्रीम साइड पे, वो कट वाटर हो गया, जब यहाँ पे स्मूथ एकदम यहाँ पे गोलाई में इधर कोई एज नहीं है दूसरी साइड पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ईज वाटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो कट वाटर एंड ईज वाटर। बच्चे इसका एक और चीज ये कि सच अ सॉलिड पायर कंस्ट्रक्शन हैज प्रूव टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, ये वाले काफी इकोनॉमिकल होते हैं लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। जो कट वाटर होते हैं वो यूजुअली ट्रायंगुलर शेप के भी होते हैं, और भी शेप होती है, ठीक है। और ये जो कट वाटर है ये ज्यादा लेंथ की नहीं है, अभी आपने देखा ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग में, ये नहीं कि पूरा आपका ट्रायंगुलर सेक्शन आगे तक जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पॉइंट देना रहता है, ये वहां पे प्रोवाइड करते हैं। एंड दे शुड बी कैरिड डाउन टू द बेस, ठीक है। द ईज वाटर कंसिस्ट ऑफ टू पैराबोलिक आर्क्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ईज वाटर बिल्कुल यहाँ पे पैराबोलिक शेप में है, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ प्रोवाइड करने के लिए, या फिर थोड़ा सा सेमी सर्कुलर इन शेप हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक सॉलिड आरसीसी पायर की बात थी। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो जो हमारी कट वाटर एंड ईज वाटर है, जैसे वहां पे ट्रायंगुलर शेप थी ना, कुछ के केसेस में आपको यहाँ पे इस तरह के ऐसे देखेगा थोड़ा सा स्मूथ शेप, कईयों के केसेस में आपको ये ऐसे थोड़ा सा सेमी सर्कुलर दिख जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स है बेसिकली कट वाटर की, यहाँ पे ईज वाटर की हमारे पास, ठीक है। बेसिकली क्या होते क्या है, प्रोजेक्शन होती हैं अपस्ट्रीम साइड पे पायर के बिल्कुल थोड़ा सा फ्रंट, मतलब जो अगर थोड़ा सा आगे देखोगे पायर के थोड़ी सी प्रोजेक्शन बनाई होती हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड पे, ठीक है। आरसीसी पायर में किसी को कोई दिक्कत, फानिश का है आज? यस मैम। हाँ फानिश, कोई दिक्कत नहीं मैम। विकास, विकास मैंने भी नहीं आज क्लास लगा रहे हैं। हाँ आस्था, अनीश समझ आ रहा है?
चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास है डंबल पायर्स, जैसे कि नाम से क्लियर है बच्चे, डंबल पायर, जैसे कि इसका अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ये जैसे हमारे जिससे एक्सरसाइज वगैरह लगाते हैं ना, ये डंबल शेप में दिखता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास रबल मशीनरी और सीमेंट कॉन्क्रीट से दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और बीच में एक हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है। अगर इमेज इसको ऐसे देखो, ये देख रहे हो, ये हमारे ये क्या है, कॉलम्स बने हुए हैं। ये हमारे ब्रिज के नीचे जो गर्डर होते हैं, ये गर्डर हो गए, ठीक है। ये बियरिंग शो कर रखी है, तो ये क्या है, दो कॉलम्स बने हुए हैं और उन कॉलम्स को बीच में एक हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग से जोड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको टॉप से देखते हो, ठीक है, जब आप इसको टॉप से देखते हो, ये आपको इस तरह से डंबल शेप में दिखते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा हुआ, डंबल पायर। मतलब ये आपको टॉप पे ये आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, एंड ये आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। ये हमारे गर्डर हो गए जो ब्रिज के डेक के नीचे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शेप की वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डंबल पायर बोल देते हैं, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि अ डंबल पायर हैज एन अपीयरेंस ऑफ डंबल, जिस तरह से हमारा डंबल होता है जिससे हम एक्सरसाइज लगाते हैं, उस तरह की अपीयरेंस होती है अगर हम इसको इन प्लान देखें, एकदम ऊपर से देखें तो, ठीक है। फर्दर इसके ऊपर क्या होता है, हेड्स प्रोवाइडेड ऑन टू एंड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय डबल मैशनरी और सीमेंट कॉन्क्रीट। ये जो आपने अभी देखा था, ये कॉलम जो इसके साइड पे प्रोवाइडेड है, ठीक है, और ये जो ऊपर टॉप अगर इसका देखते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट से प्रोवाइडेड होता है। एंड फर्दर बीच में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होती है जो इन दोनों कॉलम्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ शेप इसका नाम क्या रखा गया है, डंबल पायर, ठीक है। अगर डंबल पायर्स के आप एडवांटेजेस देखो, दे आर वेरी मच सूटेबल व्हेन द वेल फाउंडेशंस आर अडॉप्टेड। देखो ये जो नीचे फाउंडेशन है, जो इसके नीचे प्रोवाइडेड है, दैट इज वेल फाउंडेशन, तो उसके ऊपर हम लोग ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू देयर मास, दे गिव मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं, ठीक है। दे आर सिंपल इन डिजाइन एंड दे लीड टू लाइट रीइंफोर्समेंट, काफी सिंपल डिजाइन काफी लाइट रीइंफोर्समेंट, अगर लाइट रीइंफोर्समेंट इसमें यूटिलाइज होती है तो ये काफी क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो जस्ट शेप के ऊपर था। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है, कॉलम पायर की आती है, ठीक है। कॉलम पायर की अगर बात करें बच्चे, कॉलम पायर क्या होते हैं, ये नॉर्मल आपके सीमेंट कॉन्क्रीट के कॉलम्स जो होते हैं, ठीक है, एकदम रिवर बेड के ऊपर इरेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ये फर्दर क्या करें, अगर ध्यान से ये इमेज देखो, ये हमारे ब्रिज के गर्डर है, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्रॉपर एक लॉन्गी इस तरह से ये आपकी यहाँ पे बीम प्रोवाइड करी है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये वाली जो है, ये वाली आपकी लॉन्गिट्यूडनल बीम्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ पे ये देखो, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये इधर कॉलम है, और बीच में क्या प्रोवाइड कर रखी है, ब्रेसिंग प्रोवाइड कर रखी है, ब्रेस हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर रखे हैं जो इन कॉलम्स को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब और ये जो बीच में ये पॉकेट्स देख रहे हो, ये जो गर्डर के बीच में और ये जो बीम के बीच में ये जो पॉकेट्स बन रही हैं, बीच में इसमें क्या लिखा हुआ है, द पॉकेट्स फॉर्म्ड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बीम्स कैन बी यूज्ड टू कैरी गैस पाइप्स एंड सीवेज पाइप्स और वाटर पाइप्स। यहाँ पे बीच में पाइप्स की इंस्टॉलेशन हो सकती है, चाहे वो वाटर पाइप हो, चाहे वो सीवेज पाइप हो, चाहे वो आपके क्या हो, गैस पाइप्स हो, यहाँ पे खाली पॉकेट्स बन जाते हैं ना, क्योंकि ये बीच में ये वाले इधर क्या है, गर्डर लगे हुए हैं, नीचे बीम लगी हुई है, तो ये यहाँ पे खाली पॉकेट्स में यहाँ पे पाइप्स आप इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है। एंड फर्दर ब्रेसिंग क्यों प्रोवाइड करिए, ताकि हम इनको तीनों को इकट्ठे क्या कर रहे हैं, एकदम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है। तो ये अगेन इमेज को अगर आप देखो, तो ड्यू टू द शेप यहाँ पे क्या है, तीन कॉलम्स है, ये हम इसको अगर सेक्शन में देख रहे हैं, तीन कॉलम्स है, ठीक है, तीन कॉलम्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है ब्रेसिंग से, यहाँ पे कॉलम्स तीन है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कॉलम्स प्रोवाइडेड है, इसलिए इसको हम लोग कॉलम पायर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, देखो मैंने उस दिन अगर आपको इमेजेस दिखानी थी, ये विंग वॉल्स की जो हमने उस दिन करी थी ना 45 डिग्री एंगल पे, तो ये क्या है, आपकी विंग वॉल थी, ये इमेज देखी थी, ठीक है, दिस इज योर विंग वॉल साइड पे लगी हुई है, और ये अगर यहाँ पे ये देखो ये सामने, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, एबटमेंट हो जाएगा,
ये देखो ये डंबल वाले की शेप, अगर इसको और ध्यान से देखो, अगेन आरसीसी कॉलम, और ये जो बीच में यहाँ पे क्या है, आरसीसी वेब प्रोवाइडेड है। टॉप से देखते हो तो अगेन ये आपको डंबल शेप में दिखते हैं, ठीक है। प्लान अगर इसका देखो तो नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक सिलेंड्रिकल पायर अगर देखो तो ये आपके क्या हो गए, ये सिलेंड्रिकल पायर की अगर बात करें बच्चे, ये बाहर से स्टील का होता है, ठीक है, एकदम इसका जो फ्रेम होता है, अंदर इसके अंदर हम लोग सीमेंट कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, एकदम ये इसका इसकी जो डेप्थ है, फर्दर हम लोग एकदम जहाँ पे हमारा हार्ड बेस होता है वहां तक लेकर जाते हैं, बीच में अगेन यहाँ पे ब्रेसिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करियो। ये आपके मेन गर्डर हो गए, ठीक है, एंड अगेन इनको ज्वाइन किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। देन ये हमारा रोडवे हो गया जिसके ऊपर हमारे व्हीकल चल रहे होते हैं, तो ये एक और टाइप है डिपेंडिंग अपॉन हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इसका ये जो इसकी शीटिंग है, एमएस शीट्स यूज करते हैं, ठीक है, शीट यूज करते हैं और बीच में इसको हम फिल कर देते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट से। तो ये कौन सी टाइप हो गई आप लोगों की, सिलेंड्रिकल पायर्स की। जो हमने आरसीसी कॉलम वाला देखा था, अगेन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, कनेक्ट किससे किया हुआ है, इन हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग से, और ये हमारी क्रॉस बीम हो गई, ठीक है, एंड ये बेसिकली आपको सेक्शन शो किया हुआ है पूरा, इसका नंबर ऑफ आरसीसी कॉलम्स प्रोवाइडेड है, उनको हमने इन ब्रेसिंग से, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग से जोड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे ये हमारा मतलब रिवर बेड है, एंड समटाइम्स ये ऊपर जो ब्रेसिंग है ऊपर भी प्रोवाइड, एंड नीचे एक और डायाफ्रेम वॉल प्रोवाइडिंग। बेसिकली क्यों कनेक्ट क्यों कर रहे हैं इनको, ताकि हमारे पास एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है। अभी जो सिलेंड्रिकल पायर का आपको दिखाया, एक सिलेंड्रिकल पायर का डायग्राम दिखाया था, इसमें भी वही रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। दो सिलेंड्रिकल शेप पायर्स प्रोवाइडेड होते हैं, मेड अप ऑफ सीमेंट कंक्रीट के बने हुए होते हैं, जो कास्टिंग करते हो आप इसकी कंक्रीट की इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स या फिर माइल्ड स्टील सेमी सर्कुलर पाइप्स पहले लगाते हैं, देन उसको फिल अप कर देते हैं सीमेंट कंक्रीट से, एंड एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेसिंग करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, वही पीछे वाला जो डायग्राम सेम वैसा है, ये आपके सिलेंड्रिकल पायर हो गए, ठीक है। एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया है ब्रेसिंग से या फिर स्ट्रट्स से, ठीक है। और ऊपर आप लोगों का ब्रिज का डेक हो गया। ये बेसिकली सिर्फ इनकी शेप्स के ऊपर और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन से। अब एक और टाइप हमारे पास आती है, इसको बोलते हैं एबटमेंट पायर। जो एबटमेंट पायर होते हैं स्पेशली जब हम आर्क मशीनरी करते हैं वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं हर एक, मतलब आपको पता है कि ये अगर हमारा ब्रिज का अगर हम देखें इस तरह से, ठीक है, साइड से देखें इसको, तो यहाँ पे अगर एबटमेंट है, इधर एबटमेंट है, अगर आर्क मशीनरी है, मतलब आर्चेस, नंबर ऑफ आर्चेस प्रोवाइडेड है, ठीक है, काफी सारी आर्चेस नीचे इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप क्या करते हो जब स्पैन काफी ज्यादा है, ठीक है, आपने नॉर्मल पायर्स तो प्रोवाइड किए ही किए, लेकिन दो पायर छोड़ के आप एक पायर ऐसा बनाते हो जिसकी रीइंफोर्समेंट बाकी पायर से क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी डायमेंशन भी बाकी पायर से ज्यादा होती है, ठीक है। आप मतलब इसको बीच वाला एक पायर होता है जिसको आप काफी स्ट्रांग बनाते हो इन कंपेरिजन टू बाकी जो बीच के इंटरमीडिएट पायर्स हैं, तो ये दो पायर्स या तीन पायर छोड़ के आप बीच में एक और पायर बनाते हो जो कि काफी स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट काफी ज्यादा आप लोग डालते हो इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग पायर, ताकि क्या हो सके, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो जो बीच में एक आधा ऐसा पायर हमने बनाया है जिसकी रीइंफोर्समेंट ज्यादा, जिसकी डायमेंशन भी थोड़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू बाकी पायर्स, तो उस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको एबटमेंट पायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इमेज देखो, जैसे इस केस में क्या कर रखा है, ये हमारा आर्क ब्रिज है जैसे, ठीक है। अब इसमें क्या किया हुआ है, आखिरी में एबटमेंट है, नंबर ऑफ पायर्स है, तो बीच में दो पायर छोड़ के एक पायर ऐसा बनाया है जिसके अंदर हमने उसकी डायमेंशन भी थोड़ी बड़ी है इस वाले की, ठीक है, इसको ज्यादा रीइंफोर्स्ड भी किया है, क्यों, ताकि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट बीच में प्रोवाइड करी जा सके। तो जिनकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी है और जिसमें एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया हुआ है बीच में, तो उस तरह के पायर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एबटमेंट पायर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? नो मैम, नो मैम।
इन एबटमेंट पायर, अब इसको एक बार स्टडी करते हैं, व्हेन आर्क मशीनरी इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सपोर्ट्स, जैसा कि अभी आपने देखा सपोर्ट्स के बीच में यहाँ पे ये क्या है आर्क मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर रखी है, ठीक है, एवरी थर्ड और फोर्थ इंटरमीडिएट पायर इज डिजाइंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, क्यों, ताकि जो बेसिकली इसका स्पैन ज्यादा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर चाहे बीच में से मान लो वहां पे पानी का फ्लो है, ठीक है, पानी की वजह से हॉरिजॉन्टल प्रेशर यहाँ पे उसका स्पैन ज्यादा है, जो भी आपके फोर्सेज लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी साइड से, उसको ज्यादा आप सपोर्ट करने के लिए आप बीच में जो इंटरमीडिएट पायर्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हो। एंड एबटमेंट पायर जैसे कि अभी फिगर में हमने देखा था, ठीक है, बिगर डायमेंशन होती है ऑर्डिनरी पायर से, बाकी पायर से इसकी डायमेंशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें, अगर इसकी डायमेंशन ज्यादा है तो ये और भी ज्यादा हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर देते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंदर, जब अर्थक्वेक हो गया या फिर नॉर्मल आपके मतलब जो आपके फ्लड्स वगैरह आकर करते हैं उसके लिए भी ये सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एंड फर्दर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है तो हमें जो फर्दर कलैप्स वगैरह जो हो सकते हैं अर्थक्वेक के अंदर या फिर फ्लड आने पर, तो ये उससे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले जो आपके बीच में जो पायर है जिनकी डायमेंशन ज्यादा है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एबटमेंट पायर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है पाइल पायर। पाइल पायर बच्चे कहाँ पे, जहां पे जो आपकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है ना, ठीक है, मतलब बेसिकली पाइल्स हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने फाउंडेशंस पढ़ी हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पाइल्स, कोई बताएगा कहाँ पे जरूरत पड़ती है पाइल फाउंडेशन की, जहां पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो हो। हाँ बिल्कुल सही, जहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी काफी लो हो, जो बेसिकली जो आपका सब सॉइल है वो काफी सॉफ्ट हो, तो आपको क्या करना होता है, तो जब सॉफ्ट सॉइल के नीचे जहां तक आपका हार्ड स्ट्राटा जहां से शुरू होता है वहां तक हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, पाइल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो ऊपर से जो लोड आ रहा है हम उसको हार्ड स्ट्राटा तक क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पाइल पायर्स की, पाइल पायर्स भी कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारी मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है काफी कम होती है और नीचे जो मिट्टी है वो काफी सॉफ्ट है, ठीक है, तो हमें लोड जो भी ब्रिज बियर कर रहा है, ठीक है, वो हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, हार्ड स्ट्राटा तक ट्रांसफर करना है, तो उस केस में जो हम पाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आरसीसी की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, वो हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जो हमारा लोड है, ठीक है, जो बेसिकली पाइल्स है वो कहाँ तक रीच कर जाए, हार्ड स्ट्राटा तक रीच कर जाए, जहाँ पे हमारी प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मिट्टी हमारी काफी सॉफ्ट है, जैसे कि मडी ग्राउंड हो गया या फिर थोड़ा अनस्टेबल ग्राउंड हो गया, वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अब जरा इस डायग्राम को देखो, ठीक है, अब अगर इसको देखो तो इट मींस ये यहाँ तक कहीं पे आपका सॉफ्ट बेड था, तो इसको पाइल्स को हम लोग कहाँ तक लेकर गए, जहाँ पे हमारा हार्ड स्ट्राटा कह लो या फिर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा है वहां तक लेकर जाएंगे। एंड ये तो पाइल्स प्रोवाइडेड है नीचे, ठीक है, ये यहाँ तक जा रही है उतनी डेप्थ तक, ठीक है, और फर्दर इनको हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, ब्रेसेस से। ब्रेसिंग का मेन काम क्या है, हम आपस में इन पाइल्स को कनेक्ट करते हैं ताकि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रेसिंग ना हो तो ये एकदम सोलो होएंगी, ठीक है, और इसके ऊपर लोड लगेगा तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो ये सिंपल ऐसे लगा दी होती, ठीक है, बीच में इनको कनेक्ट नहीं किया है, सिंपल यहाँ पे इधर आपका डेक है, तो ये इतनी स्टेबल नहीं होंगी लोड, क्योंकि इसमें ज्यादा ओवर टर्निंग वगैरह हो सकती है। अब यही मैं अगर इनको ब्रेसिंग के साथ जोड़ दूं, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग या फिर इंक्लाइन ब्रेसिंग, तो ये आपस में भी एक दूसरे को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, तो ये एकदम एज अ कलेक्टिवली एक्ट करेंगी और लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रादर अगर ये सोलो होती तो क्या होता, लोड लगता सिर्फ इनके ऊपर लगता और फिर नीचे जाता, लेकिन ब्रेसिंग से क्या हुआ, ये कलेक्टिवली लोड इस पे तो ट्रांसफर हुआ, फर्दर इस पे ट्रांसफर होगा, देन इस पे नीचे जाएगा, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में लोड नीचे ग्राउंड पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ब्रेसिंग बीच में प्रोवाइड कर देते हैं ताकि स्ट्रेंथ प्रॉपर अटेन करी जा सके, ठीक है। पाइल पायर में कोई दिक्कत? नो मैम, नो मैम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रेस्टल पायर। ट्रेस्टल पायर हमने पहले भी देखी थी, इसमें क्या है, नॉर्मल ट्रस फॉर्म में हमारा क्या कर देते हैं, हम लोग पायर प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, कुछ ब्रिजेस में आपने देखा होगा जो ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी नहीं होती ना, मतलब जो हम लोग काइंड ऑफ आपको ये ट्रेस्टल पायर मोस्टली कहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे